पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की। नागपुर में दिए चुनौती को भी धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वीकार की है। साथ ही छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों की शिक्षा को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि स्कूलों में रामकथा और भागवत कथा अनिवार्य है। वहीं पठान फिल्म का बायकॉट करने की बात पर कहा कि मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूं। ये जो हमारे खिलाफ शिकायत की है, पहली बात तो अभी तक कोई लीगली कार्रवाई बनीती नहीं है, ना हो सकती है। अगर वो लीगली करेंगे तो हम भी करेंगे, क्योंकि हम डिस्क्लेमर दे चुके हैं। दूसरी बात ये है, पोषित लोग हैं, इनको फंडिंग हो रही है और इन्हें साधु संतों को टारगेट करना ही है। और वर्तमान में भारत में दो ही काम है, तो एक पक्ष ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के साथ है, एक ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के खिलाफ है, तो उनमें से खिलाफ वाले लोग। छत्तीसगढ़ में हमारे प्रिय पंडित श्री ओम प्रकाश जी द्वारा और इनकी संपूर्ण मंडली द्वारा रायपुर में जो आयोजन करवाया जा रहा वो बहुत ही अनूठा है और साधुवाद के पात्र हैं। भगवान करे उनको ऐसी ही कृपा बनी रहे। और कल यहाँ की राज्यपाल महोदया ने संपूर्ण छत्तीसगढ़ की कृपा के लिए अर्जी लगाई, ऐसी राज्यपाल महोदया हमारी बहन भी धन्यवाद की पात्र, पंडित श्री ओम प्रकाश जी भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने संपूर्ण छत्तीसगढ़ को राममय बनाने का दृढ़ संकल्प लिया है। ये दुर्भाग्य है, सोची समझी साजिश है और बायकॉट ही इसका बहुत सरल सर्वोत्तम उपाय है, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। भारतीय क्रिकेटर क्या नाम बताया, विराट कोहली, हमको न्यूज बताया थे, एक जने वृंदावन गए, उसके बाद उन्होंने दो शतक लगाए। यही साधु कृपा का परिणाम है कि अगर साधु के पास जाओगे तो जिंदगी में शतक